हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फोरेक्स फॉर अनबॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं शाओमी के रीड ब्रांडेड फ़ोन की, जो पोको एम थ्री प्रो। तो ये बाहर ये पोको एम थ्री प्रो के नाम से लॉन्च होगा, और इंडिया की बात करते हैं ये मी 10T लाइट के नाम से लॉन्च होगा इसके अंदर। तो आज हम कुछ उसके स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। स्पेसिफिकेशन से पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो हम चलिए शुरू करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसके अंदर पहले ही मैं आपको बता दूँ, ये 4G के सपोर्ट में मिलेगा, ये फ़ोन 5G नहीं होगा, ये आपको 4G के सपोर्ट में मिलेगा। जैसे कि इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। इसे 64 MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। तो अभी इसके जो 3 कैमरे हैं वो अभी कन्फर्म नहीं है, इसलिए अभी नहीं बता रहा। अगर हम इसके सेल्फी कैमरे की बात करें तो 20 MP का पंच होल कैमरा आ जाता है, मेन सेंटर के अंदर पंच होल कैमरा आ जाता है इसके अंदर। हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे कि आपको पोको X2 के अंदर आपको इसका क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर मिल गया था, वैसे ही पोको M3 प्रो के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर मिल जाएगा। अगर हम इसकी डिस्प्ले की तरफ बात करें तो इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी विथ 90Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में। अगर हम इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, जैसे कि 6.5 इंच का डिस्प्ले होगा इसके अंदर, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो आपको 64GB और 128GB स्टोरेज मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी बैटरी की तरफ। तो आपको इसके अंदर 6000 mAh का बिगेस्ट बैटरी मिल जाएगा। अगर इसकी चार्जर की बात करें तो वैसे कि इसके अंदर कुछ कंफर्मेशन नहीं है कौन सा 33W का फास्ट चार्जर होगा या 22.5W का फास्ट चार्जर होगा, वो कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी हम बात करें इसकी कुछ सिक्योरिटीज़ की, तो जैसे कि इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जैसे कि पोको M2 प्रो के अंदर है ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक, वैसे इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। अगर इसके वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना चाहिए।